मनीष जी, एक और एक एक खबर और इसी महीने आई, और वो बिल्कुल वो तो बिल्कुल जो खैराती तेल लाया पेरिस में, वो उसका तो एक काम ही था, एक खैराती का, दूसरे वो जो हाथ मसल मसल के केजरीवाल की दलाली करते हुए पकड़ा गया था, तो इनके पास एक कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि उस पर कभी कभी ये तथ्य नहीं रखते। मैंने इनको दो चार बार सुना कि शायद कोई ऐसा फैक्ट बताएं जो हम लोग के संज्ञान में नहीं है, और वो मानना पड़ेगा कि भाई कि देश तबाह हो गया, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, बैंक तो बिल्कुल दिवालिया हो गए, और खासकर अभी जब अडानी वाले आए तो ऐसा लगा कि जैसे स्टेट बैंक लूट गया, जैसे स्टेट बैंक लूट गया, उसके बाद पैसे नहीं बचा, सब अडानी ले गया। मनीष जी, इस महीने जो 9 महीने की रिपोर्ट आई है, 3 क्वार्टर की, यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की, वो आया है कि भारत के जो सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, उन सरकारी बैंकों का मुनाफा 70,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है उन्होंने, 70,000 अभी 9 महीने का। और ये अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और मनीष जी, बैंक जो हैं सब जानते हैं कि बैंक कोई गांजा भांग बेचने का धंधा नहीं करते, शराब नहीं बेचते वो। बैंक का मनीष जी, बैंक का बिजनेस तब बढ़ता है, बैंक को प्रॉफिट तब होता है, बैंक केवल मनी लेंडिंग करता है, कर्ज देता है, कर्ज पे उसका जो ब्याज आता है वही तो उसका मुनाफा होता है, बैंक का कोई तीसरा काम तो है नहीं, चाहे हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, व्हीकल लोन हो। और मनीष जी, ये जब मुनाफा, इसका मतलब कर्ज देने की क्षेत्र दायरा बहुत बड़ा है, और उस तभी तो ब्याज ब्याज मिलने वाला ब्याज 70,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो दो चीजें मनीष जी, कि एक तो जो बिजनेस सबका है वो लेता है ब्याज, कर्ज लेता है, जो औद्योगिक घराने हैं, और जो आम आदमी लेता है। तो मनीष जी, ये जब कर्ज का दायरा इतना बड़ा है, तो इसका मतलब व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, कर्ज लेके जेल जाने के लिए तो कोई ले नहीं रहा, और दूसरे वो ब्याज दे रहा है, उस कर्ज पे ब्याज दे रहा, कांग्रेस के समय की तरह एनपीए नहीं बढ़ रहा, जो जो लोन रिस्ट्रक्चर हो जाता था, लोन रिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आम आदमी के पास भी पैसा है, इस इंडस्ट्री के पास भी पैसा है, बिजनेस क्लास के पास भी पैसा है, और आम आदमी के पास भी पैसा है। तभी 9 महीने का जो मुनाफा है 70,000 करोड़, उसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बैंकों ने। तो मनीष जी, बैंकों का ये लाभ जो है, जो अभी आया इसी महीने आया है, वो ये बता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में, देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में। लेकिन आपने किसी भी समाचार माध्यम में, अखबारों में तो खबर आई कि बैंकों को इतना लाभ हुआ, लेकिन मनीष जी आपने किसी न्यूज चैनल पे कहीं, ये खैराती हैं इनसे कहीं आपने सुना नहीं होगा इस खबर को, कि 9 महीने में बैंकों को 70,000 करोड़ का लाभ बनेगा। तो उसकी कमाई तो सिर्फ कर्ज कर्ज के जो ब्याज मिलता है उससे होती है। और दर्शकों को बता दूं कि गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि 2013-14 में क्या स्थिति थी बैंकों की, कैसे वो डावाडोल वाली स्थिति थी। आज की तारीख में भारत के बैंक कमाल कर रहे हैं, और अगला पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और ये बता रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे बड़ा पैमाना मनी जी बैंकों की सेहत ही होती है देश की अर्थव्यवस्था का, इससे बड़ा कोई बिल्कुल पैमाना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। सर, आपने पूरे तथ्यात्मक रूप से, आंकड़ों के रूप से बेहतरीन ढंग से उस गूढ़ रहस्य को समझाया। लेकिन इसके बावजूद अभी देख रहे हो, जो आप हाथ मसल करके जो कहता था कि जब लात मार के जब नौकरी से निकाला गया तो कहता था कि 2.5 लाख, 2.5 करोड़ का, 250 करोड़ का सौदा, मतलब ये दो दो कौड़ी के चिरकुट लोग जब नौकरी से निकाले गए तो सामान्य सी बस एस्नो पाउडर लगा करके कोई लड़की उसके प्रोग्राम को करती है, उस हाथ मसलने वाले के प्रोग्राम को लेकर के, और वो उससे बेहतर टीआरपी लेकर के आती है। वो सनसनीबाद जब निकला तो चैनल जो है उसका चैनल गर्त में था, जब वो सनसनीबाद हेड था, उसके बाद सनसनीबाद के निकलते ही चैनल सुपरहिट हो गया, मतलब अच्छा टीआरपी उसे मिलने लगा। ऐसे ही ये खलिहर खैरातियों को देखिए, सब जब बाहर हो गए हैं मैदान से, ये सब सोशल मीडिया पर, चूंकि इनके फॉलोअर्स तो हैं ही, चाहे वो आप पूरे एम फैक्टर को देख लीजिए, और लगातार ये झूठ फैला रहे हैं। आप जब हम और आप बात कर रहे हैं, मैं अभी ट्विटर पे जब था तो मैंने उसके एक ट्वीट को देखा, वाजपेयी के ट्वीट को, उसने फिर झूठ फैलाया, और वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, उसने फिर अर्थव्यवस्था को लेकर, अब जब ये जातिवादी भ्रम फैलाने में फेल हो गए, ये जब आपने बहुत बेहतरीन बताया कि जब ये
नोटबंदी पर भ्रम फैलाने में फेल हो गए, जब ये शाहीन साजिश के माध्यम से देश में दंगा कराने में फेल हो गए, तो भी लगातार करें भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। एक तो सामान ये है कि आम आदमी को इससे कोई लेना देना है नहीं, तो किसके लिए खेल कर रहे हैं ये भारत के खिलाफ ये साजिश? और ये तब जब अब दिख रहा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, चारों तरफ श्रीलंका, चाइना का तो कुछ सामने नहीं आता, उन पठानों का जो हवाई जहाज का चक्का पकड़ के भाग रहे थे, उन सबके हालात पूरे जो है, जो जहां पर इनकी पूरी आस्था है अरब कंट्री, वो भारत के शरणागत है, तुर्की की हैसियत देख लीजिए कैसे गिर गिराया पाकिस्तान ने, जो भेजा तो उसी का माल भेज दिया, और भारत की जय जय वो कर रहा है, चारों तरफ भारत का जय जय हो रहा है, ना सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति, फिर भी अपने देश को बदनाम करने के पीछे ये खेल क्या है? हाँ मनीष जी, खेल कूद में मनीष जी केवल इनको किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी खिलाफत कर दी। वो दे आप कल ही कल वाला जो वीडियो था, दर्शकों जिन्होंने ना देखा होगा देख लेंगे, उसमें जॉर्ज सोरोस के किस तरह चरणों में लौट रहा है, इस गैंग का सबसे बड़ा सरगना सबने देखा ही है। और ये मनीष जी, इनको एक बार मैं पहले भी सुना चुका हूँ, आज फिर वो लाइन सुना दूं कि ये राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, बैंक तबाह हो गए। तो इनको यही कहना है, इनको यही कहना है। और ये उसका जो दो पंक्तियां मैं सुनाने जा रहा हूँ उन्हीं को चरितार्थ करते हैं मनीष जी। वो है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब मिल बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये ये सुबह वही सुबह ये सुबह सुबह भी सब ये बता रहे, जब सुबह सूर्योदय हो रहा बता रहे कि नहीं रात है। तो इसीलिए मनीष जी नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 2019 में उससे ज्यादा धमक के साथ आए, और 2023-24 में और ज्यादा धमक के साथ आएंगे, 303 भी पार करेंगे। क्योंकि ये खैराती एक सपना देखते हैं और उस सपने में जीने लगते हैं। इनको लगता है कि हमने जो झूठ बोला वो अब सबने सुन लिया, सबने मान लिया, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे करते हैं। सच क्या है ये कहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। मैंने अभी जो बताया मनीष जी, देखे देखिए जो उड्डयन वाला आज हम लोगों ने विषय लिया और जो बैंक का, तो मैंने कहा कि बैंक आम आदमी तो लेते ही है, जो अपना हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन इस तरह से करता है, और उसके अलावा मेन कमाई होती इंडस्ट्री से। तो वहां से वो बैंक कर्ज दे रहे और उनको ब्याज मिल रहा है, तभी उनका प्रॉफिट आज इस स्थिति में है। मेरे अभी पूरा डिटेल निकाल, मेरे देर लग हो जाएगी, 12-13 बैंक उनका मनीष जी 100-100% उनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये जो औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्या जो खैरातीन के माता पिता वहां काम कर रहे हैं क्या, कि बेताल बन के इनके पिताजी वहां पे सारा काम संभाल रहे हैं? इनको जवाब देना चाहिए कि ये कहाँ, ये काम कहाँ हो रहा है, जो कमा के वो बैंक को पैसा वापस कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो उस इस सच्चाई असल में देर अर्थव्यवस्था तबाह करते हैं जब ये बोलते हैं। तो फिर इनको बेरोजगारी के नाम पे झूठ बोलने का मौका मिल जाता है, महंगाई के नाम पे झूठ बोलने का मौका मिल जाता है, तो वो इनकी जननी है, ये अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, इनके झूठ की जननी है। इसके बाद ये चाहे जो जो मन में आए वो झूठ बोले। लेकिन सच मैंने बताया मनीष जी, मेरे ख्याल से वो दिखा भी दीजिए दोनों खबरें, जो बैंक से और उड्डयन वाली है, ताकि दर्शकों को हो जाए कि ये इसी इसी महीने की खबरें हैं, और इनकी तरह हम लोग तथ्यों पे बात करते हैं, हम लोग इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, ये लफाजी करें, ये तो लफाजी करते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। बिल्कुल सर, इस फैक्ट के साथ इसीलिए कहते हैं कि आप ये नए भारत की उड़ान जो आप बता रहे थे, 470 नहीं 400, 840 हवाई जहाज खरीदेगा एयर इंडिया। और सर जब आप ये बता रहे थे तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स थे जो बता रहे थे कि ये प्राइवेट कंपनियां जो है, जो इंडिगो है और दूसरी कंपनियां, वो कितनी जहाज खरीद रहे हैं, तो 470 नहीं 840 खरीदेगा, मतलब अपने ही खबर का अखबार खंडन करके बता रहा है कि इतना खरीदेगा। तो ये चीजें ये बताती है। और दूसरी जो आप बैंक को लेकर बता रहे थे कि बैंक प्रॉफिट, सरकारी बैंकों ने केवल 9 महीनों में कमाया 70,000 करोड़ से अधिक का मुनाफा, देश की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो जाने का झूठ राग गाने वाली खैराती नेताओं और दलाल मीडिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़। ये सतीश जी की अपनी स्टाइल है बोलने का, उस हिसाब से उन्होंने इस खबर को टैग कर किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। आपसे कहूंगा कि सतीश जी को भी ट्विटर हैंडल पे जाकर के आप फॉलो कीजिए, और मनीष ठाकुर वाला जो है ट्विटर हैंडल, उसे भी जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी खबरें वहां मिल जाएगी। इन्होंने टैग किया है उस खबर के साथ अखबार को कि
कि बैंक प्रॉफिट सरकारी बैंक को तगड़ा फायदा, तीसरी तिमाही का मुनाफा जानकर खुश होंगे, ये बैंक बना नंबर वन। अब किस तरह से इसके पूरे इस खबर को यहाँ टैग किया गया है, सरकारी बैंक के तिमाही नतीजों से ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि बैंकों की सेहत सुधर रही है। ये अखबारों की कटिंग्स हैं और ये रिकॉग्नाइज अखबारों की। चालू वित्त वर्ष की तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र में सभी 12 बैंकों ने सम्मिलित रूप से कुल 29,175 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया है। ये चालू वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं, तिमाही की, वित्त वर्ष की तिमाही मतलब 3 महीने के अंदर का ये पूरा साक्ष्य है। तो मैं कहूंगा सतीश जी को भी आप ट्विटर पे फॉलो कीजिए, और ट्विटर पे यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको बीच बीच में खबरें मिल जाएगी, और अपनी राय भी उस ट्विटर पे आप कमेंट्स करके दे सकते हैं कि आप किस चीज पे चाह रहे हैं कि विश्लेषण हो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण चीज है, दोनों चीजों को लेकर इसे शेयर कीजिए ताकि बात दूर तक रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम खैरातियों को कैसे उनके झूठ को बेनकाब करें, तो झूठ को बेनकाब करने का तरीका यही है कि इस वीडियो को चिपकाइए हाँ, उसके वॉल पे जा करके, बिल्कुल उनके जैसे कहते हैं ना कि इसे सोशल मीडिया के भाषा में जो सतीश जी कहते हैं कि इनके मुंह पे ये चप्पल है, थप्पड़ है, तो ये थप्पड़ इस वीडियो के माध्यम से वहां चिपकाइए। और कई साथी कहते हैं कि फलाना वीडियो ढूंढ करके दीजिए, तो हमने इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप ढूंढ करके जो आंकड़ा और तथ्यात्मक रिपोर्ट है उसके आधार पे उनके सोशल मीडिया पर आप मुंह पे मार सकते हैं जो बेईमानी का ये बेशरम धंधा करते हैं। अब मनीष जी एक और बता दूं दर्शकों से। मुझे कहा था कि खैराती पेरिस अमेरिका क्यों घूम रहा है, क्यों तिलमिला रहा है, तो रकम इनको कौन फाइनेंस करता है, कैसे करता है, जरा समझिए कि मनीष जी। और ये जो अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, एक और तथ्य निकाला, 2 मिनट लगेगा दर्शकों को, कि 2006 में जीएमआर कंपनी को ऑपरेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट समझौते के तहत दिल्ली एयरपोर्ट के पुनर्निर्माण का जिम्मा जीएमआर का एक सिस्टर कंसर्न है डायल को ये दिया गया था। और इस समझौते के साथ या तो छेड़छाड़ की गई, नजरदारी किया गया, उससे उसे 1 साल में 3,415 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत विस्तार से तथ्यों साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए बताया था कि डायल ने किस तरह से केवल 2,000 करोड़ रुपए से भी कम लगाकर न सिर्फ 60 साल के लिए, जरा मनीष जी दर्शक समझ लें बहुत ध्यान से, कि 2,000 करोड़ रुपए से भी कम लगाकर न सिर्फ 60 साल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट हथिया लिया है, बल्कि 24,000 करोड़ की जमीन और उससे संभावित, ये मनीष जी कैसे चूना लग रहा था कि 60 साल, 2,000 करोड़ रुपए से कम लगाकर 60 साल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट हथिया लिया है, और उस 24,000 करोड़ की जमीन और उससे संभावित 1,63,557 करोड़ की कमाई के अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। यानी 2,000 करोड़ रुपए देके जीएमआर कंपनी, मतलब वो तो उसी की सिस्टर कंसर्न थी डायल, जीएमआर कंपनी को 1,63,555 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाना था। और ये सीएजी की रिपोर्ट थी मनीष जी 2006। ये जो कहता ना अडानी को बेच दिया, अडानी को बेच दिया, ये जरा ये, और जीएमआर कंपनी के साथ रॉबर्ट वाड्रा के क्या और कैसे रिश्ते हैं, ये गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको दर्जनों खबरें, दर्जनों रिपोर्टें मिल जाएंगी। आते ही साथ 2004 में आए थे, और आते ही साथ 2006 में इन्होंने ये कुकर्म शुरू कर दिया था। कर राहुल गांधी ना तो इस पे कभी बोलता है और ना ही कभी ये खैराती इस पे बात करते हैं कि 2,000 करोड़ दे के 1,63,000 करोड़। मनीष जी जरा सोचिए, और यही कारण है कि एक बार मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जिस समय नरेंद्र मोदी के पास एयर इंडिया आई थी, यानी 2014 में जब उन्होंने सरकार संभाली थी, तो एयर इंडिया पे 54,000 करोड़ का कर्ज था, और एयर इंडिया की टोटल एसेट जो थी वो 51,000 करोड़ की थी। यानी अगर वो पूरी एयर इंडिया ऐसे ही बेच देते तो भी भारत सरकार 3,000 करोड़ के कर्जे में रहती। वो क्यों रहती, ये खेल था। यानी एक सौदे से मनीष जी ये कर्जा पड़ता, लेकिन इन्होंने 2006 में वो डायल को सौंप दिया। तो मनीष जी वो जो 1,63,000 करोड़ रुपए का पूरा प्रॉफिट कमाने वाला पूरे बिका वो सरकार बिक गई, वही लोग इन सबके फाइनेंसर हैं, वही लोग इन सबके फाइनेंसर हैं। अन्यथा पेट पर लात पड़ जाए तो आदमी भूखों मरने लगता है, रिक्शा चलाने लगता है, ये रिक्शा तो चला नहीं रहा, ये अमेरिका और पेरिस और लंदन घूम रहा है। तो
ये इसीलिए, और वही लोग, क्योंकि अब वो कमाई बंद हो चुकी है, अब उस तरह के लुटेरों के हाथ में देने के बजाय अब एयर इंडिया टाटा को दी गई है, जिस आदमी का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, ऐतिहासिक योगदान है। तो उसका परिणाम आप देखिए, अभी टाटा को साल भर भी नहीं हुआ एयर इंडिया लिए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, और आते ही साथ देश का सिक्का पूरी दुनिया में जमने जा रहा है। और मनीष जी, एक और अभी जो आपका कमेंट आया था, वो राजवीर थे मेरे ख्याल से, एनआरआई थे वो, तो उन्होंने एक जी लिखा जी था कि ये लॉस एंजलिस से डायरेक्ट इंडिया के लिए फ्लाइट, तो राजवीर जी ये जान लीजिए कि लॉस एंजलिस से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, टाटा का प्लान है कि दुनिया के हर बड़े शहर से हिंदुस्तान की एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध चलाएगी। कराएं। मगर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में साल 2 साल लगेगा, लेकिन ये प्लान जब अभी हम लोगों ने जिक्र किया, ये 850 जहाज इसीलिए, और सबसे बेस्ट मतलब सर्वोत्तम श्रेणी के वो जहाज होंगे। तो वो जो आप सोच रहे हैं लॉस एंजलिस नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका के 4-5 शहर ऐसे होंगे, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जहां से सीधे दिल्ली के लिए फ्लाइट हिंदुस्तान उड़ाएगा और नंबर 1 पे होगा। ये ऐसे खेल नहीं हो रहा। तो नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह का फर्क समझ लीजिए कि एक तरफ उन्होंने डायल को दिया था तो 1,63,000 करोड़ का चूना लगा था देश को, और एक ये है कि 20 लाख करोड़ देश की झोली में आएंगे उसके आएगा। वो उसके आगे जो मैंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जो उनके ऑफसेट यहाँ बनेंगे। अब बनी जी, एक और दर्शक समझ लें, जिन्होंने अभी रोजगार की बात की थी, कि राफेल अभी केवल 32-36 जहाज हिंदुस्तान ने खरीदे हैं, और 30,000 करोड़ का ऑफसेट उसको हिंदुस्तान में लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ तो 8 लाख करोड़ का सौदा और इंडिगो वाला जोड़ लीजिए, तो मैंने कहा ना वो करीब करीब 20 लाख करोड़ हो जाएगा। तो 20 लाख करोड़ के जब जहाज आएंगे, तो यहाँ ऑफसेट कितने का आएगा, कितना बड़ा यहाँ रोजगार होगा, वो कल्पना के बाहर है, वो कल्पना के बाहर है। तो वो उसकी कभी डिटेल रिपोर्ट आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो रोजगार नहीं, अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों बहुत ऊंची उड़ान पे है देश इस समय। ये इसका मेन ये था हम लोग का आज का मेन मुद्दा।